आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूँ सरदार। चलिए खबर की ओर। वार्ड नंबर 19 के पार्षद प्रत्याशी समाज सेवी समीम अख्तर ने ईद को देखते हुए घर घर खुशियां बांटने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से खिदमत में लगे हुए हैं, ईद करीब आ चुका है, उसे देखते हुए समीम अख्तर ने ईद की खुशियां लोगों के बीच बांट रहे हैं। नेशनल टुडे लैब आपको हकीकत दिखा रहा। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कई परिवारों को ईद की खुशियां बांटी। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से वन मैन आर्मी समीम अख्तर क्या कह रहे हैं। नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बताइए आज जो प्रोग्राम है उसके बारे में। आप जो यहाँ आए हैं हमारे प्रोग्राम में, आपका चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ जी। और आज का जो ये प्रोग्राम है, ये ईद के मौके पे ईद के पर्व को देखते हुए जी, कुछ लोगों के बीच में अपने औकात के मुताबिक जो हो सका जी, समय लच्छा समय ड्राई फ्रूट और चिली वगैरह ये सब का बांटने का प्रोग्राम में चला रहा हूँ जी। जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। देखा जा रहा है कुछ लोग कहते हैं चुनावी मुद्दा है, उसे देखते हुए समीम अख्तर ये काम करते हैं, क्या है? कितना सही ये बात? हम इसमें कुछ सही नहीं है, इसलिए कि हम खुद पता नहीं है, अभी आवाम को भी जनता को नहीं पता है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हम क्या बताएं कि लोग भी जानते हैं कि कब होगा नहीं होगा, तो हम इसको तो मान्य करके चलिए, वो चीज़ तो ऐसा है नहीं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं ईद के मौके पर? बताएं ईद के मौके पर है, ईद हम लोग सब मिलजुल के अच्छे से मनाएं, खुशी से मनाएं, आपस का ताल्लुकात सब अपने अच्छे तरीके से लोगों के साथ मनाएं गुजारें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रोशन अख्तर।